फास्ट बॉलर की बॉल और बैटर का बैट, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है मैच के दौरान, वो लड़ाई देखने ही बनती है। जिस वक्त फास्ट बॉलर अपने हर प्लान के हिसाब से चलता है और बैटर को फंसाने की कोशिश करता है, बैटर पे हावी होने की कोशिश करता है, और बैटर अपनी टेक्निक के साथ, अपने टैक्टिक्स को यूज़ करके, मीन्स जो उसने टेक्निक सीखी हुई है, उस सीखी हुई टेक्निक को जब वो यूज़ करता है टैक्टिक्स के हिसाब से, और बॉलर फास्ट बॉलर के हर प्लान को काट के उसकी हर अच्छी बॉल पे स्कोर निकालने की कोशिश करता है, खास करके बॉलर को उस वक्त हैरानगी होती है जब वो बैटर फास्ट बॉलर के पास से हल्के से पुश के साथ ही बाउंड्री निकाल देता है, जबकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ थोड़े वाइड भी होते हैं या आगे होते हैं, उसके पास से निकल जाती है, बाउंड्री जाती है या सिंगल या डबल जाता है। मीन आप छः बॉल खेल रहे हैं, छः की छः बॉल पर आपकी इंटेंशन रन निकालने की है, तो ये लड़ाई देखने ही बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप एज बैटर अपनी सीखी हुई टेक्निक को यूज़ करके टैक्टिक्स के हिसाब से एक फास्ट बॉलर की हर उस अच्छी बॉल को, जिस बॉल को वो बॉलर समझता है कि मेरे एक ऐसे जोन में डाली हुई बॉल है जहाँ पे बैटर के पास इस बॉल का कोई इलाज नहीं है, पर बैटर अपने माइंड के साथ, अपने माइंड की टफनेस के साथ, अपने प्लान के साथ और अपने टैक्टिक्स को बेस्ट तरीके से यूज़ करके जब बॉल फास्ट बॉलर के हर प्लान को काट के उसकी हर अच्छी बॉल पे सिंगल डबल चार कभी कभी छः भी लगा देता है, ये आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हालांकि ये वीडियो एक बैटर के लिए बन रही है, पर फास्ट बॉलर भी इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आप अगर फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, बैटर इस वीडियो के हिसाब से अपने टैक्टिक्स को यूज़ करेगा, तो बॉलर्स भी इसमें सीख रहे हैं कि अगर बैटर टैक्टिक्स को यूज़ करके मेरी अच्छी बॉल को स्कोर कर रहा है तो मैं उसके टैक्टिक्स का काउंटर कैसे कर रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी टेक्निक बैटर के लिए बनी है उस टेक्निक का फास्ट बॉलर को पता होना चाहिए, वैसे वर्षा इसी हिसाब से अगर फास्ट बॉलर की टेक्निक है उस टेक्निक का बैटर को पता होना चाहिए कि फ़लाँ टेक्निक यूज़ करके बॉलर क्या करने वाला है और फ़लाँ टेक्निक और टैक्टिक्स यूज़ करके बैटर क्या करने वाला है। ये दोनों के लिए ही वीडियो है, इसलिए मेरी हर उस फास्ट बॉलर और हर उस बैटर को जो कि एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पे या आईपीएल लेवल पहुंचना चाहता है, इस वीडियो को दोनों फास्ट बॉलर भी और हर वो बैटर भी देखने की ज़रूर कोशिश करें। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये जो हम आज का स्किल करने वाले हैं, जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक के लिए फास्ट बॉलर की कौन सी बॉल होगी, तो बॉल जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होगी या गुड लेंथ एरिया पे होगी। ये वो जोन है जो कि एक किस्म का अनप्लेबल जोन होता है, जोन ऑफ अनसर्टेनिटीज को कहा जाता है। यहाँ से अगर बॉलर की बॉल, फास्ट बॉल की बॉल किक करती है तो बैटर के लिए मुश्किल है, अगर यहाँ से थोड़ी मूव करती है तो भी मुश्किल है। पर हर वो क्वालिटी का बैटर जो टैक्टिक्स जानता है बैटिंग के, जिसने अपने आप को ट्रेन किया है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अक्सर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या अच्छी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट लेवल पे या आईपीएल लेवल पे, कि फास्ट बॉलर की हर उस बॉल को वो बैटर चार या छः मारने की हिम्मत भी रखते हैं। हम वही देखने वाले हैं। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि टप्पा कौन सा है, लेंथ कौन सा है, लाइन कौन सी है और बैटर कहाँ है, हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा बैटर तैयार है, ये पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़ा, बैटिंग क्रीज के ऊपर खड़ा है। हम इससे एक आइडिया के लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट फुट को आउट करेंगे, ये देखो आउट कर लिया, बैट को टॉप हैंड में पकड़ लेंगे, ये ले लिया हमने, बैंड हो जाएंगे, पूरा एक्सटेंड कर लेंगे और बैट को हमने बिल्कुल हैंडल के कोने से पकड़ रखा है। ये हमने बैट यहाँ रखा, इसकी एक आर्क लगा लेंगे, ये देखो ये हमने आर्क लगा ली, ये इस बैटर का है। सिमिलरली आप अपनी हाइट के हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये जो जोन है, ये वाला जहाँ ये निशान आ गया, जहाँ बैटर खड़ा है उसे तकरीबन 2 मीटर दूर है, यहाँ से आधा मीटर और आगे या 1 मीटर और आगे ये एरिया वो बनता है जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी है। ये देखिए, जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ मैं खड़ा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए ये मार्क लगाना आसान हो जाए। सिंपल वे में, देसी वे में बता रहा हूँ, यहाँ से जो भी है आपका बैक फुट क्रीज के अंदर है, फ्रंट फुट आगे लाएं और ऐसे ऐसे स्टेप नापे कि यहाँ तक कितने आते हैं। देखिए आप, 1 2 3 तकरीबन एक स्टेप हम और ले जाते हैं, ये आ गया चौथा स्टेप। इट मीन्स कि ये एरिया, यहाँ बॉल पड़ी है यहाँ से लेके, और ये एरिया पॉपिंग क्रीज से इस बैटर के हिसाब से इसके 4 स्ट्राइड। अगर आपकी हाइट छोटी है, बैटर की हाइट ऊंची है, उस हिसाब से, और इसके साथ भूलना नहीं चाहिए, अगर विकेट थोड़ी फास्ट है, तेज खेल रही है, वो लेंथ बॉलर की तरफ हो जाएगी। अगर विकेट थोड़ा स्लो खेल रहा है, वो लेंथ बैटर की तरफ हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बॉल यहाँ पिच कर रही है,
पिच करके उठ के जा रही है तो अक्सर होता क्या है कि हम इसको ब्लॉक कर लेते हैं, ये हमने ब्लॉक कर लिया, पर हम टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं बैटिंग के, हम बॉल को ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर सिचुएशन आएगी, इवन हम बॉल को छोड़ भी सकते हैं, पर जब हम बॉल छोड़ेंगे मेक इट श्योर कि जो बॉल की लाइन है, जिस लाइन पे बॉल जा रही है, मिडिल ऑफ पे, ऑफ पे, ऑफ की बाहर की बॉल पे, ये आपका फ्रंट फुट उस लाइन के जस्ट साथ और अंदर रहे तो बॉल आपको छोड़नी है, अदरवाइज देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए शॉट हम कौन कौन से खेल सकते हैं, यहाँ पे बॉल पिच करके आ रही है, हम बॉल को पुश कर रहे हैं, ये सिंगल या डबल बॉलर के पास से, हो सकता है फील्डर फील्ड कर ले, अगर हमारी बॉल गैप में है सिंगल डबल में मिलना श्योर है। दूसरा है उसी टप्पे में बॉल है, हम बॉल को थोड़ा हार्ड पुश कर देंगे, हार्ड पुश किया, बॉलर को बीट किया, दो फील्डर वाइट हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ या शॉट है, ये श्योर बाउंड्री है आपकी। तीसरा है आपका ऑन द अप हार्ड ड्राइव, ये जैसे ही आपने बॉलर को बीट किया ये वैसे ही बाउंड्री है आपकी, इसके साथ आप लॉफ्टेड भी खेल सकते हैं, ये सेम बॉल पिच कर रही है, आपकी टाइमिंग ऐसी है कि आपने यहाँ से लॉफ्टेड खेल दिया। अब एक और शॉट है जिसको अच्छे अच्छे बैटर इतना ट्रेन करते हैं अपने आप को कि अगर एक बार आप फास्ट बॉलर की इस बॉल को लाइन पहचान के, लाइन बॉल की मूवमेंट पहचान के, जहाँ आपके LBW होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, वो चांस ना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बैट का फेस पूरा सीधा लाएंगे और लास्ट टाइम पे हाथ को यूज़ कर लेंगे, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश मिड ऑन, या कई बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के गैप जो होता है, बीच का गैप होता है, वहाँ से हमारा चार भी निकलता हो, कई कई बार तो फास्ट बॉलर को अगर बैटर की टाइमिंग अच्छी हो रही है इसी शॉट के साथ हमने छक्के लगते भी देखे हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये बॉल पिच किया, बैट सीधा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है, लास्ट टाइम पे देखो, फिर देखो इसको, ये बॉल पिच किया, ये बैट बिल्कुल सीधा है, अभी तक सीधा है, लास्ट टाइम पे ये यूज़ हो गया, ये वाइडिश मिड ऑन या लॉन्ग ऑन की तरफ ये शॉट आपका चला गया। अब हम प्रैक्टिकली भी, हमारा एक फीडर हमारे बैटर को स्पीड से बॉल फीड करेगा, हम देखते हैं कि हमारा ये बैटर हमारी टैक्टिक्स, जो आपने टेक्निक सीख रखी है फास्ट बॉलर को खेलने की फ्रंट फुट पे, उस टेक्निक को कैसे यूज़ करता है, उस टेक्निक में टैक्टिक्स को कैसे मिक्स करके बैटिंग करता है, और कैसे ये फास्ट बॉलर की और अच्छी बॉल पे जो उसके हिसाब से डॉट या बैटर को फंसाने वाली है, ये उस बॉल को काट के और फास्ट बॉलर को मजबूर कर रहा है कि भैया तो अपना प्लान चेंज कर ले, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये बैक टू बॉलर ड्राइव है ऑन द अप, परफेक्ट फेस ऑफ द बैट आप देख रहे हैं, और उसी टप्पे में बॉल, जी टप्पा हमने आपको दिखाया, ये देखिए कितना बढ़िया हाथों को यूज किया, अगर ये फील्डर को बीट कर दिया तो श्योर बाउंड्री है। ये देखो लेंथ को पकड़ा, थोड़ी छोटी लेंथ थी, आगे नहीं आया बैटर, यही तो टैक्टिक्स हैं, आपको बॉल की लाइन, बॉल की लेंथ पकड़ के आपको अपने शॉट को डिसाइड करना है, सोचना नहीं है। ये देखो सारे ये अच्छे जोन की बॉल हैं, अच्छी बॉल हैं, बैटर अपनी टेक्निक के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए आपको, आप ये स्कोर निकाल सकते हैं। ये तो लूज बॉल थी, एक किस्म का लेंथ का ही बॉल था ये, ड्राइव लेंथ का ये बॉल है, ये बॉल है, देखिए ऑन द अप कितना बढ़िया खेला हुआ शॉट है ये। ये देखो ऐसे चलते चलते हम बॉल की लाइन पकड़ के, सही टप्पा पकड़ के हम इसको हाथ भी यूज़ कर सकते हैं अपने, जब भी आपको मौका लगे ऐसी बॉल मिल रही हो आप हाथ यूज़ कर सकते हैं अपने बड़े आराम से। ये देखिए कैसे अच्छा हाथ यूज़ किया है, पर इस शॉट का ध्यान रखना है आपको कि बॉल पढ़ के या तो स्टंप छोड़ के जा रही हो या आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही हो, आपका बैट का फेस सीधा आ रहा हो, लास्ट टाइम पे आपके हाथ यूज़ हो, बैट का फेस थोड़ा घूमे, आपको LBW का चांस काटना है। ये देखो ये उसी लेंथ की बॉल को, बल्कि उससे थोड़ी शॉर्ट लेंथ की बॉल थी, बैटर ने लॉफ्टेड भी खेल दिया है। ये देखिए ये बॉलर के ऊपर से है, फील्डर पीछे हैं, अगर दोनों के गैप में है तो चार तो सर्टन है, ये सिक्स नहीं जा रहा पर चार सर्टन है, ये छह जा सकता है, टाइमिंग देखिए आप। ये आपने देखा हमारे स्टूडेंट ने आपको कितना अच्छा डेमोंस्ट्रेशन दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, मेहनत की बात है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, अपने आप पे विश्वास करिए,
जब आप अपने पर विश्वास करेंगे, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो टफ से टफ सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग होना है आपको, आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे हर उस बॉल को, जिस बॉल को फास्ट बॉलर ये लेके चल रहा है कि मेरा ये ट्रंप है, मैं इस बॉल पे बैटर को फंसाने जा रहा हूँ। मज़ा तब आए कि आप उसकी उसी बॉल पे स्कोर निकालें। बहुत बार हमने इंटरनेशनल मैचेस में देखा है जहाँ पे एक टीम जो चेज कर रही है वो उसको टास्क इम्पॉसिबल सा लगता है, पर एक पर्टिकुलर कोई बैटर आता है, मालूम ही नहीं पड़ता कब ओवर में 3 या 4 या 2 6 लग गए 2 4 लग गए और जो रन रेट था एक टाइम पे 12 15 20 का रन रेट, वो रन रेट नीचे आ गया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक एक दो दो ओवर स्पेयर भी छोड़ देते हैं, जो चेज करने वाला रन है वो पूरा हो जाता है। इसकी खूब प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि बैटिंग टेक्निक को हम कैसे यूज़ करें टैक्टिक्स के रूप में, इसके ऊपर ये वीडियो जो हमने एक लड़ाई फास्ट बॉलर और एक अच्छे बैटर के बीच की आपको दिखाई, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें और शेयर करें। हाँ, मेरे YouTube चैनल पे वो वाले व्यूअर्स जो नए हैं इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े मेरे साथ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिल जाए। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक तो मेरी तबीयत अपनी ठीक नहीं थी, दूसरा रेनी सीजन चल रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत बारिशें हो रही हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत लेट हो गई। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ हर एक हफ्ते में एक वीडियो शेयर कर लूँ। पंजाब में गया था, वहाँ पर कुछ मेरी वीडियोज़ हैं जो पंजाबी में हैं, मैं पंजाबी में बोला है, पंजाबी हूँ तो पंजाबी में बोला है, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो पंजाबी भी हैं, अगर वो पंजाबी समझेंगे दूसरे वाले व्यूअर्स, कोशिश करूँगा कि सबटाइटल मैं हिंदी इंग्लिश के दे दूँ, तो उसमें से कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बेसब्री रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।